मौजूदा समय में पूरा देश राममय हो चुका है। लोग भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हैं। रामलला के आगमन को लेकर न सिर्फ अयोध्या में तैयारियां और गतिविधियां देखी जा रही हैं, बल्कि पूरा का पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में योगदान देने को आतुर नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, अयोध्या में जिस राम मंदिर का इंतजार बीते लगभग 500 वर्षों से किया जा रहा था, जटिल और लंबे संघर्ष के बाद आखिर वो इंतजार अब पूरा हो रहा है। 500 फीट के पत्र पर 5,00,000 राम के नाम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कानपुर में युग दधीचि देहदान संस्थान द्वारा राम मंदिर निर्माण और कार सेवकों को स्मरण कर श्रद्धांजलि देने की अनोखी प्रथा देखने को मिली। 500 सालों के संघर्ष में बलिदान हुए कार सेवकों को पूर्ण स्मरण करते हुए उनके सम्मान में संस्थान के द्वारा 500 फीट का पत्र तैयार किया गया है। इस पत्र में 5,00,000 राम के नाम लिखे जाएंगे, जो 31 जनवरी को अयोध्या पहुंचाए जाएंगे। राम नाम पत्र लेखन की शुरुआत श्री बालाजी वेद विद्यालय के वेद पाठी बालकों के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। इस दौरान रामधुन के साथ समाज सेवी, छात्राएं, शिक्षिकाएं, कानपुर वासी और वरिष्ठ अतिथियों ने बलिदानियों को स्मरण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज युग दधीचि देहदान संस्थान के द्वारा कानपुर महानगर के केंद्रीय स्थल मोती झील में एक 500 फीट का पत्र तैयार किया जा रहा है, जिस पर श्री राम नाम का अंकन और लेखन किया जा रहा है। इस पत्र को श्री राम मंदिर के 500 वर्ष के निर्माण के इतिहास में जो संघर्ष हुआ है, उसमें जिन कार सेवकों ने अपना बलिदान किया है, उनके सम्मान में लिखा जा रहा है। आज जब हम राम मंदिर के उल्लास में डूबे हुए हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि राम मंदिर की नींव में उन्हीं हुतात्मा कार सेवकों की आत्माएँ प्रदीप्त हो रही हैं। राम मंदिर के उच्च स्वर्ण खचित स्वर्ण शिखर में जो लालिमा दिखाई देती है, उसमें उन्हीं वीरों का रक्त की लाली दिखाई देती है। इसीलिए उन वीर कार सेवकों के सम्मान में आज कानपुर महानगर 500 फीट का पत्र लिख रहा है, जिसमें 5,00,000 राम नाम का अंकन करते हुए इस पत्र को हम 21 तारीख को पूरा करेंगे और 31 तारीख को इस पत्र को लेकर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में जाएंगे और राम जी के चरणों में इसको समर्पित करेंगे। हम सब यहां पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आए हुए हैं और आज यहां पर श्री राम लिखने से इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम हिंदुस्तान में जन्मे और यहाँ पर ही श्री राम के सारे पूरा जीवन उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान में ही गुजारा है और आज उनको इतने सालों के बाद हम उनको उनके एक स्थान दे रहे हैं जहाँ पर वो हमेशा विराजमान रहेंगे। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि ऐसा महसूस हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये हमारी संस्कृति है कि हम अपने जो देश में सनातन धर्म है उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारा सेवक बस इतना छोटा सा ही है कि हम एक शीट में श्री राम जी का नाम लिखकर अयोध्या में सहयोग कर सकते हैं। राम की झांकी ने बुहा सभी का दिल। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेठी के मुसाफिर खाना में शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने मुसाफिर खाना कस्बे में शोभा यात्रा निकाली। जय श्री राम के नारों के साथ पूरा शहर गूंज रहा है। शोभा यात्रा में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की सेना ने जिस तरह का नृत्य किया है, ठीक इसी तरह अयोध्या में प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मिर्जापुर में हजारों राम भक्त सड़कों पर निकले और शहर में राम की झांकी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भागीदारी की, जिससे पूरे शहर की गलियां और सड़कें राममय हो गई। बता दें कि झांकी में राम, सीता और लक्ष्मण की झांकी के साथ हजारों लोग पैदल चलते दिखाई दिए। इस राम की झांकी में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं। गंगा जमुनी तहजीब की इस झलक ने एक बार फिर से सभी को बताया कि हम सब एक हैं। जी, हम लोग को बहुत खुशी है, हम लोग शामिल हुए, लोगों को देखे, मिले। बस मेरा ये कहना है कि सबको एक जैसा एकता बना कर रखनी चाहिए, कभी भी एक दूसरे को मतलब ये नहीं सोचना ये हिंदू ये मुस्लिम है, सबको एक साथ रहना चाहिए। ये शोभा यात्रा निकाली गई है श्री राम जी की और इसमें हमारे द्वारा एक झांकी प्रस्तुत की गई है मेरी संस्था के द्वारा और मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत सौभाग्य की मेरे लिए बात है जो मैंने ऐसा किया और एक गंगा जमुना के तहत जो गंगा जमुना तहजीब की जो मिसाल होती है वो आज हमारे मिर्जापुर जिले में उसके आधार पर संदेश जाएगा लोगों के बीच में। गाय के गोबर से बन रहे अद्भुत स्मृति चिन्ह। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला दरबार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हर राम भक्त कुछ न कुछ अपना योगदान देने को आतुर है। इसी क्रम में यूपी के जालौन से भेजे गए राम मंदिर जन्मभूमि स्मृति चिन्ह साधु और संतों को और मेहमानों को दिए जाएंगे।
इन स्मृति चिन्ह की खास बात ये है कि ये गाय के गोबर से निर्मित किए गए हैं। ये हम लोग गोबर से उत्पाद बनाते हैं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार देते हैं। ये देसी गौ माता के गोबर से बनते हैं और हम लोग इसको गाय के गोबर को सुखा कर पीस कर इसको अच्छे से मोल्ड में भर के बनाते हैं। और ये हम लोगों का महिला स्वयं सहायता समूह है, इसमें काफी महिलाएं हैं जो इस कार्य को कर रही हैं काफी टाइम से। चारों ओर फैलेगा राम का प्रकाश। वहीं अयोध्या और देश के साथ साथ कानपुर देहात भी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। कानपुर देहात स्थित पवन तनय आश्रम के महंत ने संकल्प लिया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जब राम लला विराजमान होंगे तो इस दिन 11 लाख दीपों को प्रज्वलित कर 1 लाख लोगों को भोजन भी कराया जाएगा। 11 लाख दीपों के बनने के साथ साथ अब तक करीब 3 लाख दीपों को वितरित भी किया जा चुका है। मंदिर के महंत गोपाल दास का कहना है कि पूरे 500 साल के बाद राम अपने घर अयोध्या वापसी कर रहे हैं और इसलिए हम लोग इस दिन को दीपावली के तौर पर मना रहे हैं।